बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट का आज हम स्टार्ट लेंगे, यानी इंसान और उसका माहौल से इसके इसके बारे में ये चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। तो अगर हम बात करें ह्यूमंस की या मैन की, तो ह्यूमंस भी अर्थ इन्वायरमेंट का हिस्सा है, जिस तरह बकाया स्पीशीज़ हैं। और इंसान का जो मतलब स्टार्ट हुआ था, जो सबसे पहला ऑक्यूपेशन था, जो सबसे पहला पेशा था, वो ये था कि वो हंटर था। लाइक ही वाज अ हंटर, ठीक है। उसने शिकार करना शुरू किया और वो फिर मतलब क्योंकि हम कंज्यूमर कैटेगरी के अंदर आते हैं, लाइक हमें अपनी एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करनी पड़ती है, तो हम हंटर्स थे। हंटर्स के बाद हर्बीवोरस, ठीक है, कि हम वेजिटेशन के ऊपर भी गुजारा कर सकते थे, ठीक है। तो हर्बीवोरस थे, हर्बीवोरस हैं भी, ठीक है। हंटर या प्रीडेटर भी कह सकते हैं आप इसे, कि ह्यूमंस वर प्रीडेटर्स, कि वो दूसरों का शिकार करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम नेक्स्ट आगे जाके एग्रीकल्चर हमने अडाप्ट किया, कि हमने जो फसलें थी वो मतलब उगाना शुरू की लैंड ज़मीन के ऊपर। फिर एग्रीकल्चर के बाद ऐसा मतलब हम इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होगी, कि इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस तरह एडवांसमेंट आती गई। और अब इंडस्ट्री को रन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। तो हम एनर्जी के मतलब उसके एनर्जी के रिसोर्सेज ढूंढने शुरू हो गए, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमें एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए थे, ठीक है। उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। और ये सारे रिसोर्सेज हमें कौन देगा? इन्वायरमेंट देगा, ठीक है, कि ये सारे रिसोर्सेज हमें इन्वायरमेंट से मिलेंगे। लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं, इनकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें एक रिन्यूएबल हैं, मतलब जो दोबारा से जनरेट हो जाते हैं, और कुछ नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, जो कि दोबारा जनरेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो रिसोर्सेज वो हैं जो दोबारा से मतलब आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, लाइक एयर है, ठीक है, या वाइंड है, एयर वाइंड, ठीक है, जिसकी एक एग्जांपल है। एयर वाइंड में क्या फ़र्क है वैसे? एयर जो है वो स्टेशनरी कंसेप्ट है, ठीक है, जबकि वाइंड जो है वो मतलब डायनेमिक होती है, मतलब मूव कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। दोनों मतलब एक ही चीज़ के दो रुख कह लें, तो एयर स्टेशनरी, वाइंड डायनेमिक है। तो ये दोनों रीन्यूएबल सोर्सेज के अंदर काउंट होते हैं, रिसोर्सेज के अंदर काउंट होते हैं, क्योंकि ये दोबारा जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये कह लें कि वाइंड पावर प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर फैंस होते हैं जो हवा की वजह से मूव करते हैं, तो अब ये हवा आप जो से दोबारा भी जनरेट हो सकती है, ये नहीं है कि एक दफ़ा यूज़ होगी दोबारा नहीं बन सकती, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो उसमें फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, दिस आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज या रिसोर्सेज, सॉरी बार बार मैं रिसोर्सेज, वाई दे आर नॉन रिन्यूएबल? बिकॉज दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, बार बार ये प्रोड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है। इसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिसमें ऑयल, गैस और कोल, यानी कोयला वगैरह आ जाता है, ठीक है। ये एक दफ़ा रिसोर्सेज यूज होते हैं दोबारा जनरेट नहीं हो सकते, ठीक है। और जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, इनकी साइकिल्स होती हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम एयर की बात करें, तो एयर के अंदर O2 साइकिल है, यानी ऑक्सीजन साइकिल जिसे हम कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ठीक है। तो मतलब जो रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, दे हैव साइकिल्स, ठीक है, उनकी एक साइकिल होती है जो बार बार रिपीट हो रही होती है, जिसमें हम मतलब नाइट्रोजन साइकिल को न्यूट्रिएंट साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होती है प्रोटीन्स की शक्ल में। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिके होती है, ठीक है, दोबारा ये जनरेट होती है। तो मतलब जो रीन्यूएबल सोर्सेज, दे फॉलो अ पैटर्न, ठीक है, एक पैटर्न होता है, और ये पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पैटर्न बनाऊँ कि आपके पास फूड है, फूड को कंज्यूम हो किया, ठीक है, सॉरी, कंज्यूम होने के बाद ये डिके,
डिके के बाद दोबारा उसके फूड बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोटीन्स हैं, फूड की शक्ल में क्या है, प्रोटीन्स कंज्यूम जब हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया, ठीक है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है, और अमोनिया को दोबारा इसके मतलब नाइट्राइट्स बनाए, ठीक है, नाइट्राइट्स, या फिर दोबारा इसने प्रोटीन्स बनाए, सही। तो इसका मतलब हर एक की मतलब स्टेप्स हैं। तो अगर फूड ज़्यादा कंज्यूम होती है, ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ये भी यानी खतरनाक है एनवायरमेंट, क्योंकि पोल्यूशन होगी। सिमिलरली अगर अमोनिया ज़्यादा नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है तब भी पोल्यूशन होगी। या बहुत ज़्यादा फूड कम बनती है, ठीक है, कि आपके मतलब कह लें कि कम फूड है तो इसकी वजह से फिर कहत हो सकती है, सही। तो मतलब हर स्टेज जो से है वो मतलब कंपल्सरी है, और ये साइकिल सारे सेल्फ सस्टेन्ड हैं, ठीक है। जितनी भी लाइफ है या जितने भी साइकिल्स हैं दे आर सेल्फ सस्टेन्ड। सेल्फ सस्टेन से क्या बताते हैं कि दे गो ऑन इट्स ओन, ठीक है, खुद ब खुद ही वो चलते रहते हैं, और जब तक कि बाहर से कोई इंटरेक्ट ना करे, खास तौर पर ह्यूमंस के बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन पाया जा रहा है, सही। और एक और हम टेबल देख लें रिसोर्सेज के अंदर, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज में। तो रीन्यूएबल सोर्सेज के अंदर सोलर एनर्जी है, एयर है, वाइंड है, वाटर है, टाइड्स फ्लोइंग, सॉइल एंड प्लांट्स। जबकि नॉन रीन्यूएबल का फॉसिल फ्यूल्स हैं, मेटल मिनरल्स हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स मिनरल्स हैं, सॉल्ट, फॉस्फेट वगैरह, सही। तो ये कुछ नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो अगर हम रीन्यूएबल सोर्सेज को स्टार्ट करें, जिसमें सबसे पहले एयर आ रही है, ठीक है, तो एयर के अंदर मतलब एयर क्या है, इट इज़ अ ब्लैंकेट, ठीक है, मतलब एक लिहाफ है अराउंड द अर्थ, ठीक है, यानी इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एटमोसफेयर कह लें, या ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ब्लैंकेट ऑफ एटमोसफेयर अराउंड अर्थ, ठीक है। और अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, तो एयर के अंदर जो है वो 79% नाइट्रोजन है, 92 जिसे कह सकते हैं हम, ठीक है, और इसके अंदर 20% ऑक्सीजन है, मतलब O2 जो है वो 20% है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, 0.03% है, सही। और बुकैनोबल गैसेस हैं, कुछ ट्रेसेस हैं उनकी, हाइड्रोजन की भी है, सही। और अब मतलब जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर यूज़ हो रही होती है, ठीक है, एन साइकिल। ऑक्सीजन जो है ये रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, और हर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसेंसिस के लिए रिक्वायर्ड है। सो मतलब एयर इज़ अ रिच सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब आपको एयर में से काफ़ी रिसोर्सेज मिलेंगे, जो कि मुख्तलिफ कह लें कि साइकिल्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। लेकिन एयर की अगर पोल्यूशन होती है, लाइक इफ़ देयर इज़ अ पोल्यूशन ऑफ एयर, अगर एयर की पोल्यूशन किस तरह होती है, एयर पोल्यूशन, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है अगर बहुत ज़्यादा बन जाए, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो इसके दोनों के दो असरात हैं, इन दोनों के, एक तो ये कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या मतलब है कि लाइक अगर ये अर्थ है, तो अर्थ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो सन से शुआएँ आ रही हैं, ठीक है, यानी द लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है, जो कि सन से आ रही है, वो इनके दिमाग इंट्रैप हो जाती है, दे आर इंट्रैप्ड इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि लार्जर मालिक्यूल्स होते हैं तो ये लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे तो जो इनका टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर सेंटीग्रेड्स के अंदर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक इसका बहुत बड़ा अफेक्ट आएगा, और दूसरा एसिड रेन है, ठीक है, कि जब कभी बादल आएंगे और वो बरसेंगे, ठीक है, और बरसने से भी क्या होगा कि यही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बना के एसिड रेन काज करेगा, जो कि मतलब फिर नुकसानदेह है ह्यूमंस के लिए भी, जितने भी लिविंग स्पीशीज हैं हर एक के लिए नुकसानदेह है। बका ये एयर पोल्यूशन हो किस वजह से रही है, इसमें ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, मतलब जो गाड़ियों के धुएँ हैं, ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज हैं मुख्तलिफ, सही, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि
आपके फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में यूज़ होते हैं, और वो बहुत डेंजरस उनका इफेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। सही, तो ये हो गया एयर के बारे में। अगर एयर पोल्यूशन की ये तो छोटी सी आप डायग्राम भी देख सकते, लाइक ये एसी ट्रेन है, कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इवन कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर जाएगा, फिर बादल बरसेंगे, तो जो से पानी है वो एसिडिक हो जाएगा और एसी ट्रेन कास करेगा। सही, और ये नुकसानदेह होता है क्योंकि इसकी पीएच लो होती है, तो ये नॉर्मल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर इसके बाद हम चलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर, वाटर की तरफ। ठीक है, पानी जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वाटर के लिए एक सिंगल लाइन कहा जाता है कि वाटर इज़ मीडियम ऑफ लाइफ। ठीक है, कि बगैर पानी के कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो एनारोबिक होते हैं, लाइक दे कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो पानी है ये नेसेसरी है, मतलब कंपलसरी है लाइफ के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं होगी। ठीक है, इवन कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म उनके लिए भी, और अगर कोई छोटा ऑर्गेनिज्म उसके लिए भी। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें, तो हमारा 70% जो है अर्थ का वो वाटर है। ठीक है, या 71% भी कहा जाता है। सही, लेकिन इसका सिर्फ 1% जो है वो फ्रेश वाटर है। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है हमने। ठीक है, कि फ्रेश वाटर सिर्फ इसमें से 1%, जबकि 99% जो है वो सी वाटर है, जो कि नॉन यूजेबल, या उसको हम डोमेस्टिक यूज़ या ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, पी नहीं सकते हम उसे। ठीक है, जबकि फ्रेश वाटर जो है सिर्फ 1% है। सही, और 99% नहीं कहते, बल्कि अब इसमें भी ये है कि 97% सीज के अंदर है। ठीक है, और 2% जो है वो फ्रीज है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ के ऊपर। सही, और ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेजर कंस्टिट्यूंट है, यानी जिस हमने कहा था मीडियम ऑफ लाइफ के, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर पानी मौजूद होता है। सही, अगर हम वाटर के यूजेस को चेक करें, तो यूजेस ऑफ वाटर क्या क्या हैं, तो जो सबसे मतलब हमारे जहन में सबसे पहला इस्तेमाल आता है वो यही है, डोमेस्टिक यूज जो उनसे है। ठीक है, डोमेस्टिक है एंड इंडस्ट्रियल भी कह सकते हैं हम। डोमेस्टिक से मतलब घरेलू घरेलू इस्तेमाल, और प्लस इंडस्ट्रियल यूज जो उनसे है, कि बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे वाटर है वो एज अ मतलब रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इंडस्ट्री तो डोमेस्टिक यूज जो कि 10% यूज़ बना रहे हैं, कितने परसेंट बना रहे हैं, 10%। ठीक है, बकाया जो 90% है वो इरिगेशन के अंदर यूज़ होता है। इरिगेशन से मुराद कि मतलब जो आप फसलों को पानी देते हैं। ठीक है, वो 90% हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर डिस्कस करना शुरू कर दें, तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, इवन लाइफ और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये वाटर एज अ मेजर वाटर इज़ अ मेजर कह लें कि रॉ मटेरियल होता है, कि बहुत से रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो वाटर इज़ अ मेजर रॉ मटेरियल इवन इन इंडस्ट्रीज एंड इवन इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, यानी जो हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हो रहा है, जितना भी मेटाबॉलिज्म है, उसके अंदर मतलब वाटर मोस्टली एज अ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोनिजम्स के अंदर होता है ये। ठीक है, माइक्रोनिजम्स के जितने भी हैं, बैक्टीरियाज वगैरह हैं, या फिर फंजाई, मतलब जो भी माइक्रोनिज्म्स के अंदर आ रहे हैं, पैरासाइट्स वगैरह हैं, सबके अंदर वाटर यूज़ हो रहा होता है। सही, अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, तो वाटर पोल्यूशन की जो रीजंस हैं, वाटर पोल्यूशन, तो उसमें सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले कर रही है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो बहुत टॉक्सिक होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर लिविंग थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की सॉरी पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जितनी भी रिफाइनरी मिल्स हैं, जितनी भी रबड़ की इंडस्ट्रीज हैं, प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, या फूड आइटम्स की इंडस्ट्रीज हैं, वो ज़्यादातर आपको इंडस्ट्री वाली यानी दरियाए सिंध में मिलेंगी। और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो दरियाए सिंध में जा रहा होता है, उसके वजह से फिर वहाँ पे जो कह
कह लें कि फिशेज हैं या फिर जितने भी वाटर से रिलेटेड जितने भी उनके इर्द गिर्द के घर भी इवन जो ह्यूमंस बीइंग जितनी भी आबादी रह रही है वो उससे मुतासिर होती है। सही, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है वाटर को। सही, और ये एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होता है, इसके अगेंस्ट भी मेजर्स भी लेना चाहिए हमें। सही, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अलावा एक चीज़ है एसिड रेन। एसिड रेन भी वाटर पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसके हम पीछे रीज़न पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्रियल अगेन इंडस्ट्रियल वेस्ट ही एज अ एयर पोल्यूशन काज करते हैं, और अगर बारिश होती है तो वो वाटर पोल्यूशन की शक्ल में नज़र आएंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड रेन, और तीसरी चीज़ थी एक डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, घरों घरेलू जो उनसे वेस्ट होता है वो भी वाटर पोल्यूशन काज कर रहे हैं। और लास्ट के अंदर हम जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं पोल्यूशन काज करने में। सही, ये हो गया वाटर के बारे में, उसका यूज़। और वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स या रीन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, इसका भी पूरा साइकिल होता है, जिसके अंदर मतलब बारिश, सॉरी, दरियाओं में से बुखारात उड़ते हैं, वो बारिश बरसती है, दोबारा दरिया में है, तो मतलब पूरा साइकिल है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं लैंड पे। लैंड जो कि अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अच्छा, लैंड के अंदर भी ना मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। लैंड के अंदर डेजर्ट भी आ जाते हैं, लैंड के अंदर माउंटेन्स भी आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो लैंड स्पेसिफिक बात कर रहे हैं या मोर स्पेसिफिक कह रहे हैं तो वो सॉइल है। ठीक है, मतलब जो मिट्टी जिसे आप कहते हो, और मिट्टी से क्या मतलब है कि इट इज़ अपर लेयर ऑफ, सॉरी, अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, कि मतलब जिस तरह अगर हम कहें ना सेब है, तो सेब का जितना छिलका होता है, ठीक है, मतलब ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है सेब का, छिलके की जितनी मोटाई होती है, इतना ही अर्थ क्रस्ट है जो हमारा ज़मीन है उसकी। और फिर इस सॉइल के अंदर जो अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो उसमें वाटर है, सॉइल वाटर जिसे कहेंगे हम। सॉइल वाटर के अलावा इसमें सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर रेत होती है, यानी सिलिकेट्स जिसे हम कहा जाता है। ठीक है, सॉइल एयर है, कि सॉइल मतलब मिट्टी के अंदर हवा भी होती है, क्योंकि उसके अंदर ये बड़ी कह लें कि इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लाइक जो मिट्टी होती है, ख़ास तौर पर जो नरम मिट्टी है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर मौजूद होती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी के अंदर रह रहे हैं उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसलिए एयर अंदर तक मौजूद होती है। सही, और इसके अलावा इनऑर्गेनिक मैटर होता है और ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। इनऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जिसमें वैसे सॉइल पार्टिकल्स भी आ जाते हैं सारे, और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं, या उसे हम ह्यूमस भी कहते हैं बाज़ का, और ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा। अच्छा, ये तो गया सॉइल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अगर हम देखें कि सॉइल किस तरह मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो ये है कि इट प्रोवाइड्स अ सपोर्टिव रोल फॉर प्लांट्स एंड इवन फॉर एनिमल्स, कि हम जो खड़े होते हैं वो भी सॉइल पे खड़े होते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो जो एंकर मतलब जो धंसे होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके देखें कि रोल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, सबसे पहले तो ये कि सपोर्टिंग लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, अगर सॉइल ना होती तो इवन हम भी ना होते, प्लांट्स भी ना होते। ठीक है, मतलब ये जो अर्थ क्रस्ट है ये इस तरह मॉडिफाई है कि इसके अंदर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, और एक दफ़ा प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं तो फिर बकाया जो कंज्यूमर्स हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा सॉइल के अंदर वाटर है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट हैं जो कि प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, वाटर एंड न्यूट्रेंट्स, न्यूट्रेंट्स के अंदर दोनों, यानी ऑर्गेनिक भी हैं और इनऑर्गेनिक भी है फॉर प्लांट्स। ठीक है, इन पौधों के लिए ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अर्थ की सिर्फ 30% है वो लैंड है। ठीक है, मतलब जैसे हमने कहा था 70% वाटर है अर्थ के अंदर और 30% लैंड है, और उस लैंड में से भी तकरीबन
जो है उसमें पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, और बहुत सी जगह पे ऐसी जहाँ पे इंसानी आबादी भी है, मतलब वहाँ पे इरिगेशन नहीं कर सकता। तो अगर हम देखें, मतलब 30% ऑफ अर्थ लैंड है, इज लैंड, और इस 30% में सिर्फ 11% ऐसा है जो कि मतलब इरिगेशन है, ठीक है, विच इज़ कल्टिवेशन कह लेंगे, विच इज़ अंडर कल्टिवेशन, मतलब उसके अंदर फसलें उग रही हैं। सिर्फ 11% ऐसा एरिया है इस 30% में से, ठीक है, यानी बकाया 89% ऐसा है कि जो कि वेस्ट हो रहा है, या फिर वहाँ पे पहाड़ मौजूद है, या फिर इंसानी आबादी है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मतलब एक इशू है, और ये वहाँ पे वो है सहरा है, सही, क्योंकि हमें जितनी भी फसलें मिलनी है वो सॉइल से मिलेंगी। अगर सॉइल आप कह लें कि अवेलेबल नहीं होगी तो वो बड़ा इश्यू बनेगा। अच्छा, अगर हम देखें कि कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से जो सॉइल है उसकी पोल्यूशन आ रही है, मतलब सॉइल पोल्यूशन को अगर हम डिस्कस करें, तो सॉइल पोल्यूशन में सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि जो अर्बनाइजेशन हो रही है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, लाइक शहर जो बन रहे हैं, ठीक है, कि मतलब जो भी गांव देहात थे वह ऐसे शहर में कन्वर्ट हो, तो वहाँ पे हम रोडे बना रहे हैं, वहाँ पे हम बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, हर चीज़ नए सिरे से बना रहे हैं, जिसकी वजह से फसलों कह लें कि जो कह लें कि जो ज़मीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर था, जो कह लें कि लैंड की नॉर्मल रेशोज़ थी इसके अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स के दरमियान, मतलब जो इसके है ना ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, सही। और तो अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा कह लें कि विगोरस क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, इन विगोरस से क्या मुराद होता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ही ज़मीन है उसके अंदर बार बार हम गन्ना उगाते जाएंगे, तो जो गन्ने से रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन में कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बजाय ये कि हम थोड़ा इंतज़ार करें, हम उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियल तरीके से फसल उगाना शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। इसे आप बैड प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, या पुअर प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर भी है। फिर इसके अलावा एक्सटेंसिव ग्रेजिंग है, ठीक है, कि सॉरी कोई ग्रास लैंड है तो वहाँ पे आप जानवर इतना ज़्यादा छोड़ दो कि वो फिर घास ही वहाँ से ख़त्म हो जाए, और ऐसा ऐसा वहाँ पे कोई फसल ही ना उग सके, ठीक है। इसके अलावा लीचिंग है, मतलब जिसे आप सेम या फिर थोर कहते हो उर्दू के अंदर, के मतलब वहाँ पे जो न्यू साल्ट हैं वो ऊपर वाली तह तक आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी, लीचिंग कहते हैं साल्ट का गहराई में चले जाना, ठीक है, यानी साल्ट नमकियात जिसे आप कहते हो, नमकियात का गहराई में चले जाना, ठीक है, लीचिंग हो रही है, ये भी मतलब एक किस्म की सॉइल पोल्यूशन ही है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि हम मतलब इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ये केमिकल्स भी हमारे लैंड को पोल्यूट कर रहे हैं। तो जाहिर बात है इसके अगेंस्ट में प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, जो फार्मर्स को या फिर जनरल पब्लिक को बता सके यार किस तरह हम अपनी ज़मीन को गंदा कर रहे हैं, या किस तरह ये हमारे रहने के काबिल नहीं होती जा रही, ठीक है। सो ये आज का लेक्चर होगा जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि फिर उसके अंदर हमने रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्कस किया, और तीन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े हमने जिसमें एयर, वाटर और लैंड है। अगले लेक्चर के अंदर हम मज़ीद रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।